तो क्या रेसलमेनिया 38 की नाइटो के मेन इवेंट का जो रिजल्ट है, रोमन वर्सेस ब्रॉक के रेसलमेनिया के मैच का जो रिजल्ट है, वो WWE ने खुद ही लीक कर दी है, क्योंकि WWE ने कंफर्म किया रोमन रेंस का मैच, वो भी रेसलमेनिया के बाद। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रिसेंट टाइम में जो WWE है वो कंफर्म करती है रोमन रेंस का एक बहुत ही बड़ा मैच जो कि रेसलमेनिया के बाद होगा, और वहां रोमन को एडवर्टाइज किया जा रहा है एज यूनिवर्सल चैंपियन। तो क्या इसका मतलब ये है कि WWE ने गलती से रिजल्ट लीक कर दिया रोमन वर्सेस ब्रॉक के रेसलमेनिया के मैच का। तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन होगी इस वाली वीडियो के अंदर। साथ ही में बात करने वाले क्या हुआ रिसेंटली स्मैकडाउन के ऑफर होने के बाद, क्योंकि ब्लड लाइन ने अपना करेक्टर किया ब्रेक। विंस मैकमैन ने भी ऑफर किया एक फॉर्मर ROH यानी कि रिंग ऑफ ऑनर की चैंपियन को एक WWE कॉन्ट्रैक्ट, और बॉबी लैशले ने भी बताया है उनके अकॉर्डिंग कौन सी टाइटल सुप्रीम है WWE में, क्या वो WWE चैंपियनशिप है या फिर यूनिवर्सल टाइटल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ऑफ कोर्स हम लोग वीडियो को शुरू करने वाले हैं WWE के चेयरमैन द बॉस विंस मैकमैन के साथ में, और बताया जा रहा है कि रीसेंट टाइम में जो WWE है वो इंडिपेंडेंट सुपरस्टार जो कि फ्री एजेंट्स वगैरह या फिर कोई फॉर्मर कंपनी के सुपरस्टार्स हैं उनमें काफी इंटरेस्टेड है और उन्हें साइन करवाना चाहते हैं अपनी कंपनी के अंदर। और उनमें से एक रीसेंट टाइम में नाम आया सामने जो फीमेल सुपरस्टार है, उसने पहले WWE के जो होते हैं ना ट्रायआउट्स वगैरह उसके अंदर भी कंपीट किया था, और वो रिंग ऑफ ऑनर के अंदर एक फॉर्मर चैंपियन भी रह चुकी है। यहां रीसेंट टाइम में एक अपडेट आती है सामने, बताया जा रहा है रॉक्सी जो कि एक फॉर्मर ROH वुमेन चैंपियन है WWE ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर की है। अब देखना ही होगा क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं। और बताया जा रहा है कि रीसेंट टाइम में उन्होंने WWE के एक ट्रायआउट के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था, और वहीं से जो WWE का इंटरेस्ट है उनके अंदर आया कि भैया इन्हें हमें अपनी कंपनी वगैरह के अंदर लाना है, इसलिए जो WWE उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हें ऑफर कर डाला है। अब लेट्स सी कि फॉर्मर ROH चैंपियन रॉक्सी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं। अगर करती है तो क्या डायरेक्ट उनकी एंट्री मेन रोस्टर में होगी या फिर पहले WWE उन्हें NXT के अंदर बुक करती हुई नजर आएगी। और ऑफ कोर्स ही बात है WWE को अपने वुमेन्स डिवीजन के अंदर और सुपरस्टार की जरूरत है, जिससे एटलीस्ट जो टैग टीम टाइटल्स है वो थोड़ी बहुत वैल्यू कर सके। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो रिसेंटली स्मैकडाउन के ऑफर होने के बाद क्या कुछ चीजें हुई उसके बारे में जुड़ी है। और स्मैकडाउन के बाद WWE ने अगले हफ्ते का जो स्मैकडाउन का शो है वो तो टेप किया, लेकिन उसके बाद एक सिक्स मैन टैग टीम एक्शन होता है हर बार की तरह, और ब्लड लाइन का आमना सामना होता है हमारे ड्रू मैकइंटायर और वाइकिंग रेडर्स के साथ में। और एक बार फिर से जो हुआ था ना एक बार ऑफर होने के बाद भैया पॉल हेमन ऑडियंस पे भड़क गए थे, ठीक उसी वे में एक बार फिर से यही होता है स्मैकडाउन के ऑफर होने के बाद। यहां पॉल हेमन भैया जानबूझ के एक फैन को पॉइंट आउट करते हैं और उस पे गुस्से की तरफ भागते चलते हैं उसकी तरफ एकदम गुस्से में कि भैया तेरी ऐसी तैसी, तू रोमन को उल्टा सीधा बोल रहा है, तू रोमन को बू कर रहा है। इवन यहां जो पॉल हेमन है बैरिकेड कूद के दूसरी तरफ जाने का ट्राई करते हैं, अब वो फैन थोड़ा पीछे हट जाता है और बार बार उसे यहां आके पॉल हेमन को रोक लेते हैं, और भाई बार बार जंप करने का ट्राई करते हैं पॉल हेमन उस बैरिकेड से ताकि किसी तरीके से उस फैन को पकड़ सके। लेकिन आखिर में हमारे जो ट्राइबल चीफ है वो आते हैं और पॉल हेमन को थोड़ा शांत करते हैं और उन्हें जो उनका कोट है वो पहनाते हुए नजर आते हैं, तब जाके हमारे पॉल हेमन शांत होते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे जो जिमी है उसको ब्लड लाइन के मेंबर हैं वो भी अपना करेक्टर ब्रेक करते होता है। एक वीडियो आई है सामने और जो वॉरियर अवार्ड देते हैं ना WWE उसके रिसिप्टेंट जिनका नाम एक्चुअल में जेरियस है JARRIUS आई गेस मैं जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ी गलत कर रहा हूँ, वो यहाँ पर जिमी उसो से मर्चेंडाइज मांगने के लिए कहते हैं और होते क्या WWE के सुपर फैन को जो जिमी उसो है वो स्पेशली मर्चेंडाइज निकाल के देते हैं ब्लड लाइन की। ब्लड लाइन ने एक्चुअल में कोई रेड कलर की ऐसी मर्चेंडाइज थी और ये देख के फैंस को काफी अच्छा लगा कि जिमी उसो ने यहाँ अपना करेक्टर ब्रेक किया और जो सुपर फैन है WWE का जिसे एक WWE की तरफ से वॉरियर अवार्ड भी मिल चुका है उसे अप्रिशिएट किया गया। तो भाई ये कुछ चीज़ें होती है, ब्लड लाइन का मैच होता है, पॉल हेमन का कांड और जिमी उसो ने जब अपना करेक्टर किया ब्रेक। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो हमारे करंट WWE चैंपियन द ऑलमाइटी फॉर्मर लॉन्डिया बस बॉबी लैशली के बारे में जुड़ी है। लैशली हमारी WWE चैंपियन है लेकिन एक बात चलती रहती है WWE में कि यार WWE टाइटल सुप्रीम है या फिर यूनिवर्सल टाइटल एक्चुअल में WWE के लिए कौन सी चैंपियनशिप ज्यादा वैल्यू करती है। इसको लेकर रिसेंट टाइम में बॉबी लैशली का इंटरव्यू होता है, बॉबी लैशली इस इंटरव्यू के अंदर बताते हैं उनके हिसाब से तो दोनों की दोनों चैंपियनशिप है वो एकदम सेम लेवल की है और कोई भी टाइटल एक दूसरे से बड़ी नहीं है। लेकिन साथ ही में वो कहते हैं उनके अकॉर्डिंग जिस कंपनी के लिए वर्क करते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम WWE है और WWE के अंदर मेन इवेंट सिनेरियो में मेन लेवल के अंदर सिर्फ एक ही चैंपियनशिप है जो कि मेरे पास है यानी कि WWE टाइटल। तो यहां पे शायद कोई भी कंफ्यूजिंग रहेगी नहीं और मेरे हिसाब से जो मेरी चैंपियनशिप है यानी कि जो WWE टाइटल है वो ज्यादा सुप्रीम है अगर वो कंपनी के लेवल से देखे। लेकिन फिर वो यहां पर बात करते हैं रोमन रेंस और रेसलमेनिया के मैच के बारे में जहां लेजनर ने उन्हें चूज किया, वो कहते हैं मैं समझ सकता हूं रॉयल रंबल जीतने के बाद लेजनर ने मुझे चैलेंज क्यों नहीं किया और वो सीधा क्यों गया रोमन रेंस के पीछे, क्योंकि रोमन रेंस अभी फिलहाल इस कंपनी के अंदर एकदम टॉप लेवल के ऊपर है और ऑफ कोर्स मैं कहूंगा रोमन रेंस ने सारी लिमिट्स को क्रॉस करके एकदम टॉप लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं और उनको जो रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है वो एकदम अलग लेवल की है। इसलिए लैशली कोई भी यहां हैरानी नहीं है कि लेजनर ने उनकी जगह पे चूज
एक्यूज किए हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। तो ये कुछ बातें बॉबी लैशली का कहना है जब कंपैरिजन होता है WWE टाइटल और यूनिवर्सल टाइटल के बीच में, आपके हिसाब से कौन सी टाइटल ज्यादा सुप्रीम है। ऑफ कोर्स ये बात है, रोमन ने यूनिवर्सल टाइटल को टॉप लेवल के ऊपर पहुंचा तो दी है, लेकिन जब रोमन के पास से टाइटल जाएगी उसके बाद जाके किस तरीके से सीन आगे बढ़ता है और इस साल के एंड में कौन सी टाइटल बड़ी होती है, ये चीज जरूर देखने लायक होगी। बाय द वे, आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो रेसलमेनिया 38 के नाइट 2 के मेन इवेंट के बारे में जुड़ी है, जब रोमन और ब्रॉक का आमना सामना होगा। अब एलिमिनेशन चेंबर से पहले नॉर्मल मैच यानी कि यूनिवर्सल टाइटल मैच ही है। अब टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होगा या फिर नहीं तो हमें एलिमिनेशन चेंबर के बाद पता लगने वाला है, लेकिन रिसेंट हमें लग गया ऐसा है कि WWE ने गलती से अपने एलिमिनेशन चेंबर 2022 के बाद का जो रेसलमेनिया का इवेंट का मेन इवेंट है उसका जो रिजल्ट है वो लीक कर डाला है। क्योंकि होता क्या, जो पहला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो होगा आई गेस ये 8 अप्रैल को होने वाला है और यहां पर WWE बड़ा मैच रोमन का एडवर्टाइज कर रही है। रिसेंट हमें पूरी जो कमर्शियल है वो आती है सामने और जहां पर ये होगा उसका जो वेन्यू हमें इस चीज को एडवर्टाइज करता हुआ नजर आता, जो वीडियो के कुछ स्क्रीन शॉट्स है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहां बताया जा रहा है कि हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल जो रोमन रेंस है वो रेसलमेनिया के बाद के पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर अपने यूनिवर्सल टाइटल को डिफेंड करेंगे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ, प्लस शो के ऊपर शार्लोट फ्लेयर और भी काफी सारे सुपरस्टार्स होंगे। तो इसलिए भैया जल्दी जाओ और टिकट बुक करो ताकि आप रेसलमेनिया के बाद का जो स्मैकडाउन का शो है वो बिल्कुल भी मिस मत करो, जो कि 8 अप्रैल को होने वाला है। अब काफी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे क्या भैया इसका मतलब ये है कि WWE ने चीजों को लीक कर डाला, क्या WWE ने गलती से विनर लीक कर डाला रोमन रेंस के मैच का जो कि लेजनर के साथ में होगा रेसलमेनिया में। तो मेरे हिसाब से ये जो एडवर्टीजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ टिकट सेलिंग को बढ़ाने के लिए। अब देखो अगर WWE अनाउंस करती कि रोमन मैकइंटायर का मैच होगा और नॉन टाइटल मैच होने वाला है तो फैंस ये कहते कि भैया देखो WWE ने लीक कर दिया कि रोमन के पास वो टाइटल रुकेगी नहीं। तो इसलिए मेरे हिसाब से जस्ट लोकल कमर्शियल का मतलब ये नहीं होता है कि रोमन चैंपियन रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। आगे से यहाँ पे WWE से टिकट सेलिंग करना चाहती है और रेसलमेनिया के अंदर एक्चुअल में हमें पता लगने वाला है किसकी जीत होगी, क्योंकि रेसलमेनिया बैकलैश के लिए अब लेजनर को भी एडवर्टाइज किया जा रहा है। तो फॉर श्योर चांस है कि लेजनर शायद चैंपियन बनेंगे और रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर रोमन रेंस को उस टाइटल की एक रीमैच की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती हुई नजर आएगी। और मेरे हिसाब से ये चीज मुझे क्लियर करनी चाहिए थी, काफी लोग जैसे मैंने कहा पूछ रहे थे कि क्या ये जो एडवर्टीजमेंट है वो इनफ है ये बात प्रूव करने के लिए कि WWE ने अपना रिजल्ट लीक कर डाला है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर दो। आपके हिसाब से रेसलमेनिया के अंदर किसे जीतना चाहिए जब रेसलमेनिया बैकलैश में लेजनर का मैच होगा, और क्या रोमन होंगे या फिर होंगे ब्रॉक लेजनर। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर नहीं हुए सब्सक्राइब नहीं किया क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।